हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज निफ्टी 350 पॉइंट्स के लिए मैसिव मैसिव करेक्शन, यू नो, और ये करेक्शन जो है हो सकता है निफ्टी को एक सपोर्ट पे भी लेके आ जाए। और इस वीडियो में, क्योंकि लाइफ हैज टू गो ऑन, मार्केट में ये तो चलता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस ये चलता रहता है। अब मैंने क्या किया है इस वीडियो में, मैंने दो कैश के स्टॉक्स निकाले हैं और ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जिन्होंने एक रेजिलियंस दिखाई है। आई वुड से दो की जगह मेरे पास तीन तीन दो या तीन स्टॉक्स डेफिनेटली है, आप उनको भी रडार पे रख सकते हैं, डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं आपको उनमें एंट्री लेनी, बट आप उनको स्टडी कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस बना सकते हैं। और मैं कहती हूँ अपना एंट्री पॉइंट बनाइए, अगर आपको अग्री करते हैं विद ऑल माई यू नो पॉइंट्स, देन यू शुड टेक एन एंट्री। बट आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल नाम सुनते हैं और उसके बाद जाके सीधा बाय कर लेते हैं, उनको और कुछ देखना ही नहीं है, ना अपनी कोई रिसर्च बनानी, ना एंट्री लिखनी, ना स्टॉप लॉस लिखना, ना टारगेट लिखना। प्लीज मेक योर पर्सनल नोट्स, राइट। तो निफ्टी गिरी है बट एक सपोर्ट पे भी आके रुकी है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आके भी रुकी है। हो सकता है यहाँ से निफ्टी को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिले और निफ्टी यहाँ से बाउंस कर जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा और नीचे तक आए, 21,777 तक भी नीचे आ सकती है, या उसको भी अगर ब्रेक करती है तो 21,100 तक एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एनीवे, अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी क्यों कर रही है, तो ये जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसको लेते हुए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट में और उसी के चलते मार्केट लगातार गिर रहा है। सो जो दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे, एक तो है टाटा मोटर DVR, बिकॉज टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और रिजल्ट्स के साथ साथ अगर आप देखते हैं यहाँ पे आप अर्निंग्स देख सकते हैं, 10 मई को आएगी, बट आप इनका न्यूज में आप देख सकते हैं। सो एक न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो 1 मई को आई थी, कि टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड टोटल सेल्स ऑफ 77,520 units, 21 units in April, which is almost 11% up, right? जो पिछले year on year basis पे there is a growth of 11.5% in Tata Motors units that are being sold. अब Tata Motors का results आए हैं, results अच्छे आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि दो बार इसको price rejection हुआ है Tata Motor DVR को, from the level of 714 से एक बार लगा रेजिस्टेंस और एक बार 700 से लगाए। यू कैन अंडरस्टैंड कि 700 एक बहुत क्रूशियल लेवल है, बट हम वेट करेंगे 2% और ऊपर जाने का, मतलब 712-714 के ऊपर हम इसमें एक बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें सिंपली रहेगा अराउंड 670 का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इस स्टॉक में 670 का, और एंट्री हमारी रहेगी फ्रॉम 714। टारगेट्स क्या रहेंगे, हमारा पहला टारगेट रहेगा 740 का, उसके बाद 760 का, उसके बाद 780 का, और उसके बाद हम फाइनल टारगेट जो देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में 800 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉक रहेगा जिसको हम रडार पे रखेंगे न्यूज के चलते, प्राइस एक्शन के चलते, एंड ये जानते हुए कि इसने एक रेजिलियंस दिखाई है 350 पॉइंट की गिरावट के बाद भी। अब दूसरा पॉइंट जो है इसका वो यही रहेगा कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, करेक्शन के चलते भी करेक्शन नहीं आ रहा इसमें, तो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पे खड़ा हुआ है स्टॉक, और इसको हम बाय कर सकते हैं अबव 712। दूसरा स्टॉक जो है थोड़ा हाई वैल्यू स्टॉक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो है मेरा दूसरा स्टॉक है, विच इज TII India। ये स्टॉक भी जो है काफी समय से कंसोलिडेट किया है इसने, और थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक है, आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्टॉक को 3430 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, आप इसमें बाय कर सकते हैं अबव 3126, और अगर ये 3400 पे गिरता है तो आप डेफिनेटली और एक्युमुलेट कर सकते हैं, और इसमें मेरा टारगेट रहेगा 5000 का एटलीस्ट 6 मंथ्स के अंदर। इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं और एक बार क्विकली इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं कि कैसे फंडामेंटल्स है इसके। तो स्टॉक जो है 76,000 करोड़ की कंपनी है, और अगर हम बात करते हैं कि ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर of a wide range of products for major
industries such as automotive, railway, construction, mining, agriculture. The company's three main verticals are engineering, metal, formed products for bicycles, etc., etc. So, company basically यही करती है और आपकी आप इसकी डिटेल जाके screener.in पे पढ़ सकते हैं. All right. उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका P जो है 87 है और ROC is about 32 and ROE is about 27. अगर हम इनके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में लगातार आप देख सकते हैं एक इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई है तीन साल के अंदर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा स्टैग्नेंट एट अबाउट 13%. नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गया है लास्ट 3 इयर्स में. ईपीएस भी लगातार बढ़ता जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का. अगर हम इनके नेट सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है 2017 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुकी है. अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी 4 टाइम्स हो चुके हैं. नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स से ज्यादा हो चुके हैं 7 साल के अंदर. और अगर हम इनकी बात करते हैं बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स थोड़ा सा बढ़ी है बट रिजर्व के रिस्पेक्ट में काफी कम है. और अगर बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, they have been generating cash from operating activity. और अगर हम बात करते हैं कि cash in hand, they definitely have good cash in hand. Debtor days थोड़ा सा reduce हुए हैं, 77 से घटके 52 पे आए हैं. अगर हम promoters holding की बात करें, which is constant at 45%, FIIs have a good holding here, 28%, DIIs about 14.8% and government has about 4.45% and जहां तक public की बात है 11.32%. अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस एक्शन की, तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और यू कैन बाय एनीवेयर इन दिस रेंज. यू नो आई वुड सजेस्ट कि ये जो रेंज है ना, इसमें आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं. आई वुड नॉट से कि आप इसको ब्रेक होने का वेट करिए. आप नीचे अगर आपको मिलता है ना 3450, विल बी रियली रियली गुड इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे लीजिए और इस मूवमेंट को एंजॉय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 5000 इन 6 months टू 1 ईयर टाइम. So these are the two stocks that look very powerful, very strong in falling market. गिरते हुए मार्केट में ये दो स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, रडार पे रखिए. और एक और स्टॉक जिसमें अच्छा मूवमेंट आया था, दो तीन ऐसे और स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, आप रडार पे रखिएगा. एक है SKF इंडिया. SKF इंडिया ने आज एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था बट ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया. ऊपर से ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है विद ह्यूज वॉल्यूम्स. अगर आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी, देखिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज ब्रोकन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर. बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर को ब्रेक करा है. ये बैरियर था इस जगह का. आज स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी है, राइट, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी है बट मार्केट वॉज सो बेरिश कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है. अगर ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल ब्रेक हो जाती है विच इज अबव 5110, आपको इसमें मतलब बहुत बड़े टारगेट्स तो नहीं बट 5500 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, विच इज रफली अबाउट 8% का मूव आपको जरूर आता हुआ दिखाई दे सकता है. तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी SKF इंडिया में, 4800 से लेके 5100 के बीच में लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया जिसने. तो बेरिश नहीं है ये स्टॉक, बुलिश है बट आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल मींस सेलर्स आर सिटिंग हियर. तो आप किसी भी लोअर लेवल पे बाय कर सकते हैं 4800, 4900, 5000, 5100. उसको अगर क्रॉस करेगा तो स्टॉक आपको सीधा 5500 के टारगेट देगा, दिस यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ. और अगर 5500 के ऊपर चला जाता है तो और ज्यादा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी. विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. स्टे ट्यून्ड फॉर गुड रिसर्च, गुड कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स डायनामिक्स विद मी. See you in the live market 10 to 11. All the best. Stay tuned for more updates. And mere Telegram ka aur live market trading ka link aapko isi video ke description box mein milega. All the best. Keep writing your comments and keep sharing your thoughts in the comment box. Bye bye. Take care.